प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। आइए सब खड़े रहेंगे खुदा की हुजूरी में। प्रेज़ द लॉर्ड। एक हवाला निकालिए बाइबल मुकद्दस में से, फिर पढ़ेंगे और फिर हम बैठेंगे जी। मरकुस की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 15वीं आयत को, एक ही आयत हम तलावत करेंगे खुदा के कलाम में से जी। हालेलुया। जल्दी से खुदा के कलाम में से मरकुस के वसीला से लिखी खुदा के यीशु मसीह की अंजील, अंजीली बयान 15वां बाब आयत नंबर 15 जी। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादा से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर हवाला किया कि मसलूब हो। आमीन। 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 आगे निकाले 16वें बाब की 15वीं आयत जी। मरकुस 16:15 जी। और उसने उनसे कहा जी कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबाने बोलेंगे, जो पहला वाला पढ़ा है एक आदमी उसे निकाले और जो अभी पढ़ा है आखिरी एक उसको निकाल के खड़ा रहे। हालेलुया। जब ये जो अभी आपने पढ़ा उस पर रहे, जो पहला पढ़ा है मुबशिर साहब आप उस पर जो है वो खड़े रहे। सब बोले हालेलुया। 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 खुदा की सिफारिश हो कि वो भला है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम सीखेंगे इंजील। क्या सीखेंगे? कलीसिया को क्या दी गई है? इंजील दी गई है, खुशखबरी दी गई है। आमीन। लव्स अंजील यूनानी जुबान का लव्स है जिसका मतलब है खुशखबरी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और खुशखबरी कभी भी कंप्लीट नहीं होती जब तक यीशु की मसलूबियत की बात ना हो। हालेलुया। हालेलुया। खुशखबरी कभी भी कंप्लीट नहीं होती जब तक यीशु मसीह की मसलूबियत की बात ना हो। जहां पर यीशु मसीह की मसलूबियत की, यीशु मसीह के मर जाने की, यीशु मसीह के जी उठने की, आसमान पर जाने की और वापस आने की अगर बात ना हो तो वो एवेंजेलिज्म नहीं है, वो खुशखबरी का पैगाम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि खुशखबरी लोगों तक पहुंच कैसे सकती है। आमीन। इंजील हमारा मजमून है, पर हम देखेंगे कि इंजील यानी खुशखबरी लोगों तक पहुंच कैसे सकती है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि लोगों तक अंजील पहुंचे, क्योंकि आज तक बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को समझ ही नहीं पाए कि इंजील जो है जिसे मैंने कबूल किया है, इसे सिर्फ मैंने कबूल ही नहीं करना बल्कि उन सब तक भी पहुंचानी है जो नहीं जानते या जिन्होंने नहीं कबूल किया। और कोई कबूल कैसे कर सकता है जब तक उसे पता ही नहीं है, जबकि कोई जानता ही नहीं है तो वो कैसे कबूल कर लेगा। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम लोगों को यीशु के पास लाएं, उससे पहले है कि हम अंजील को खुद कबूल करें। आमीन। हमें अंजील को पहले क्या करें? खुद कबूल करें। और हमने पहला हिस्सा क्या पढ़ा जी? 15वें बाब की हमने क्या पढ़ी? 15वीं आयत को पढ़ा। सॉरी, तो वहां पे क्या लिखा है दोबारा से पढ़ा जाए, सुनिएगा जरा गौर से। पिलातुस ने लोगों को खुश, पिलातुस ने क्या किया? लोगों को खुश करने के इरादा से, लोगों को खुश करने के इरादा से, किसके? अब लोगों को यही है और बादशाह को भी यही है कि मैं जो कर रहा हूं मैं लोगों को खुश कर रहा हूं। और लोगों को यह है कि बादशाह बहुत अच्छा है क्योंकि
जो हम कह रहे हैं ये वो कह रहा है, क्योंकि लोगों की फकीरों और फरीसियों की या उस वक्त के जो लोग थे उनकी जो डिमांड थी, वो जो चाहते थे वो ये था कि यीशु मसीह को मसलूब कर दिया जाए और डाकू को छोड़ दिया जाए। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद उसे पता नहीं है, वो जानता नहीं है कि इरादा ही खुदा का ही है। हालेलुया। उससे पहले कि फकीर फरीसी बनते, उससे पहले कि पिलातुस पैदा होता, उससे पहले कि रोम की बादशाही आती, खुदा ने मंसूबा डिजाइन कर दिया। हालेलुया। ये इलाही मंसूबा है, इलाही टारगेट है, ये आसमानी रोया है, ये खुदा का मंसूबा है और खुदा ने ये मंसूबा बनाया है। ये किसी इंसान का मंसूबा नहीं है, बल्कि ये मंसूबा इलाही है, खुदा का मंसूबा है। और खुदा का कोई इरादा या कोई मंसूबा टाल नहीं सकता, कुछ भी हो जाए, बादशाह कुछ भी करे, लोग कुछ भी समझे, पर याद रखे खुदा का इरादा कभी टाल नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह का मसलूब होना ये कोई हादसा नहीं है, ये कोई अचानक नहीं हुआ, ये कोई बड़ा जुल्म नहीं हुआ, व्यक्ति जुल्म ही है। पर ये समझे ये जुल्म हुआ क्यों है, ठीक है, वो तो करते हैं हाय हाय तेरे दुखड़े ने पारे, ए हाय हाय मौसम जी खाली हूं मैं, यहां अगे पिछे भी हूं, हाय हाय मेरे दुख चुक ले तू भारे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि गीत अच्छा नहीं है, गीत बहुत अच्छा है, जिन्हें लिखे हैं उन्हें ठीक लिखे है, पर जो गांदा है या सुनता है वो तो समझे कि कह की डे है, लिखने वाले ने क्या की है, हाय हाय तेरे दुख ने भारे, हथा पैर लगे किल ने विने आए दिल, यीशु प्यारे हाय हाय तेरे दुखड़े ने। मौसम जो आता है मसरूबियत का, उदो काले कपड़े भी पै जाते, उदो सोख भी शुरू हो जाता है, तू पहले कितने से, तेरा यीशु मौसम का यीशु है, मौसम बारह महीना आया तो यीशु पैदा हो गया, ये मौसम आ गया तो इसकी तैयारी शुरू हो गई, मौसम जो है वो मसरूबियत आया तो शरीर का सिस्टम शुरू हो गया, शरीबी गीत शुरू कर देते, पूरा साल कितने रहा शरीर तेरे अंदर नहीं सी, कितने कितने जगह नहीं बनी, कई ने घर की जगह बनाई है तो वो जाके खलो के दुआ करते हैं, कई सलीमा ने चुम चुम दुआ करते हैं, आंदे जाते हाथ लाते तो चुमते, जे ऐदा ही काम सलीम चुमन नाल होवे तो फिर वो आके पलंग ना छूंदी, या लोकी साया थले ना खलोंदे रसूलों के, ਉਹ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹਨੇ ਦੀ ਯਿਸੂ ਟੰਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਮੀਆਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਟੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਚੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇਮਾਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕੀਦਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ठीक है, इधरों चुम बाइबल चुम, कई बाइबल चुमन की बड़ी आदत है, अच्छी गल है, पर खाली तो चुमो ना, ना ये सारी प्यार ना बखाओ, अंदर की है, अंदर वाली मोहब्बत कितने है, ये भी जरूरी है, हाय हाय तेरे दुख ने, लोगों को खुश करने के लिए उसने क्या किया, बराबा को छोड़ दिया, बराबा को सौदा होया, सौदा क्यों होया, उन्होंने कीमत चढ़ाई, यीशु मसीह को पकड़ने की जो कीमत थी वो 30 रुपए थी, आमीन, ये पहली कीमत है 30 रुपए, पर दूसरी कीमत की है, बंदा बराबा छाड़ दे, डाकू छाड़ दे, यीशु मार दे, मौजे करने वाला, शिफा देने वाला, आंखों को खोलने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, पानियों पर चलने वाला, हवा को थमाने वाला, चंगे काम करने वाला, रोटियां खुआने वाला, बेवा का बच्चा दिया चुपड़ाने वाला, सारे चंगे काम कर
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੌਦਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਜੀ? ਸਾਇਆ ਬੇਟੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਪਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣਾ, ਓਕੇ? ਆਪ ਇਧਰ ਉਧਰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਓਕੇ? ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੁਝੇ, ਓਕੇ? ਓਕੇ, ਸਭ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੋ ਉਸਨੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ, ਆਮੀਨ, ਪਰ ਲੋਕੋ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਇਸਮੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। हालेलुया। इब्रानियों के नाम पर उसका खतरा निकालिएगा। बारहवां बाब उसकी पहली आयत को जरा पढ़िएगा, क्या लिखा है? पहली दूसरी आयत जल्दी से आप पढ़ दो। और जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। क्या है? गवाहों का एक बड़ा बादल क्या है? हमें घेरे हुए है, यानी कि गवाही गवाहने को एक गवाही नहीं, पर उस कह रहे हैं कि गवाहों के बादल ने हमें घेरे हुए है। आमीन। बदल के लेने ना कहते हैं गवाहों का भी मी है, गवाहों का भी बदल है, उन्हें घेर लिया है, बादल घेरे हुए हैं आगे। हम भी हर एक बोझ, आओ हम भी हर तरह के बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, गुनाह जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े। हाँ जी। जो हमें दरपेश है, जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे आगे। जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की ना परवाह करते हुए सलीब का दुख बर्दाश्त किया, खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ, खुदा की तख्त की तरफ क्या हुआ, जाकर बैठ गया। ये खुशी उसकी आंखों के सामने थी। हालेलुया, हालेलुया। और तफसीरा कर तुम्हारे पुठिया तफसीरा, यीशु मसीह बागे घर सामने चलो है, और यीशु ने दुआ की थी कि प्याला मेरे तो टल जाए। प्याला है केड़ा सी? क्या यीशु ये कह रहा था या यीशु ने ये कहा कि बाप सूली तो मुझे बचा रहा है? नहीं, लिखा है अब सूर्या वहां पर क्या थी, लिखा है कि यीशु को मौत के पसीने आ रहे थे। क्या आ रहे थे? और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदे भरकर गिर रहा था, मौत के पसीने आ रहे थे। शैतान की कोशिश यह थी कि खुदा जिस बदन के अंदर मुजस्सम हुआ है, ये जो मसीह है, ये जो खुदा का बेटा है, ये जो बदन है जो सलीब पर जाकर कुर्बान होगा, और इसके वसीला से दुनिया जहान कोमल उम्मतों का गुनाह मिट जाएगा, ये जरूरी है कि ये रास्ते ही में दम तोड़ दे और ये मसीह मसलूब ना कहलाए। शैतान का मंसूबा यह था, पर यीशु ने उस मंसूबे के खिलाफ दुआ की, ऐ बाप तेरी मर्जी हो, मेरी मर्जी पूरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी, मैं रास्ते में नहीं बल्कि उस मुकाम में पहुंचूं जो तेरी मर्जी है। हालेलुया। खुदा की मर्जी ये है, वो खुशी जो उसकी नजरों के सामने थी, शरीर का दुख सा, कौन सा दुख सा? शरीर का दुख सा। अरे भाई वो खुशी क्या है? खुदा यीशु मसीह खुशी सी कि वो सलीब पे चढ़े, एक बड़ा चंगा काम है, एक बड़ा चंगा काम है सूली चढ़ना। लिखा जो सूली पर चढ़ा वो लांगी हुआ, लकड़ी पे लटका ना सही देने को जिंदगी, वही बना था लांगी देने को रास्ती। हालेलुया। ये लांगी मौत है, सलीब पर लटकना लांगती मौत है, पर देखने है कि वो लांगती बना क्यों, ताकि हम खुदा में रास्तबाज भाई बन जाएं। क्या बन जाएं? हम रास्तबाज बन जाएं, हम खुदा की रास्ती बना दें। और पौलुस ने यही लिखा है, कहता उस दौड़ में दौड़े जो हमें दरपेश है, जड़ी रात दौड़ने जड़ी रात स्पीड लानी है, सुनीदा राय है। हालेलुया, हालेलुया। खुशखबरी की बात कर रहा हूं, ये खुदा यीशु
यीशु मसीह के सामने क्या थी खुशी की? उसकी नजरों के सामने ये खुशी थी। हालेलुया, मतलब उन्हें बंदे ने खुश किया, परंतु खुदा खुश हो रहा है। हालेलुया, खुदा कई ने आसमान भी रोया कितनी है, बढ़िया पुठिया शायरिया भी ने क्या आसमान रोया, धरती रोई आसमान रोया। भाई क्यों? साढ़े गुनाह वास्ते। देखिए कुछ आसमान भी उसकी निगाह में पाक नहीं और जमीन भी नहीं है, कोई चीज पाक नहीं। शायद दर्द लिख रहा है कि आसमान ही मिला तो धरती भी रोई, उठी शायरी है। आसमान रोने से क्या है, खुदा रोया, खुदा तो नहीं रोता। आपको पता है बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, अक्सरियत में मर्द नहीं रोते, राम के अंदर होता है पर वो औरतों की तरह नहीं रोते। प्रगाम होता है, मर्द खुदा की सूरत है, खुदा के अंदर बर्दाश्त करने की कुव्वत है, वो गम जरूर करता है, वो दिल में गम करता है। हालेलुया, वो दिल में गम करता है। खुदा के अंदेशे भी हैं, लोग अंदर भी गम ने, खुदा को भी गम ने। अगर वो दुखी होंगे तो ऐसी वाली सूरत शबीत है, सानू कोई दुख नहीं आ सकता। सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेटा मैं देख रहा हूं सब बोले हालेलुया, मेरा बाज के ना लगा। सब बोले हालेलुया, जब कोई जमात में कोई हरकत कर रहा हो तो मुझे फौरन पता चल जाता है, मैंने सिग्नल आ जाता है। सब बोले हालेलुया, खुशी उसकी नजरों के सामने क्या थी, खुशी थी। खुशी को पूरा करने के लिए मुस्लिम हुआ। वो बंदे खुश कर रहे हैं, याद रखिएगा ये अब हमारे सामने एक चीज है। आप कुछ देर के लिए अपनी सोच को यूं बदलें, आप पहला दोस्तों यहोवा मान लें, खुश कर रहे हैं ना, बंदे भी खुश कर रहे हैं तो यहोवा की कर रहे हैं। यहोवा की खुशी ये है कि बेटा कुर्बान हुए, लेकिन उसे पसंद आया कि वो कुचला जाए। आमीन, थोड़ी देर के लिए यहोवा तस्लीम करे उसे। आमीन, ये समझ ले कि बिना दूस नहीं खुदा खड़ा है और खुदा की मर्जी ये है कि उसका इकलौता बेटा कुचला जाए। आमीन, क्या किया जाए? यहोवा की मर्जी भी ये है कि बेगुनाह कुचला जाए, बेगुनाह कुर्बान हो जाए और जो गुनहगार है वो छुड़ा दिया जाए। आमीन, देखा उसने मुंह देकर हमें खरीदा है। जैसे जैसे बुराबा का मोल कौन ठहरा, उसका मुतबादल कौन ठहरा, उसकी जगह पर कौन मसलूब हुआ, जो हुकूमत का तख्ता पलटना चाहता था, जो हुकूमत के साथ जिसने बगावत की, ये बराबर तो था। ये वो यहूदी थे जो यीशु मसीह के आने से पहले जोर लगा रहे थे तख्ता पलटने के लिए, हुकूमत के साथ उन्होंने बगावत की थी। ये को आम डाकू नहीं थे कि वो दरकर आने चोरियां करने वाले थे, ये हुकूमत को लूटने वाले थे, हुकूमत का बेड़ा घर करने वाले थे। ये तख्ता उठना चाहते थे, क्या उठना चाहते थे, क्या उल्टना चाहते थे, तख्ता उल्टना चाहते थे, किसका, हुकूमत का। जो हुकूमत का तख्ता उल्टना चाहता है उसे छोड़ दिया, पर जो हुकूमत बनाना चाहता है उसे मसलूब कर दो। हालेलुया, पर याद रखिए यीशु मरा नहीं, वो मर कर भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की बात से उन्होंने खत्म नहीं कर दिया, क्योंकि ये बात
बैठा हूं, क्योंकि वो तो इस तरह की तालीम तो उनकी है कि खुदा से खुदा या कोई देवता होता है, वो इस तरह से मानते थे। अभी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि ये कहता है कि मैं यहूदियों का क्या हूं, मैं बादशाह हूं, ये दफा लगी थी। हालेलुया, ये क्या लगी थी, ये दफा है। जो यहूदी थे वो इस बात से मुखालफत करते थे कि ये कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूं, और रोमियो के पास एक ही जवाब था यीशु को मसलूब करने का कि वो कहता है कि मैं बादशाह हूं। उसने कहा तू बादशाह है, उसने कहा तू खुद कहता है, उन्हें जो कुछ भी कहना तू खुद कहना। आमीन। यीशु मसीह ने उसे कहा कि मेरी बादशाही जमीन की नहीं है, उन्हें कहा जो तू सोए ना मैं हो नहीं हूं, मेरी बादशाही ये नहीं है। क्योंकि यहूदी तो जिसके इंतजार में थे वो यीशु के अंदर उन्हें नजर नहीं आया, क्योंकि वो इंतजार में थे तलवार वाला, वो दाऊद की तरह आएगा और यूं करके तलवार घुमाएगा, वो यूं करके बट्टा चलाएगा, उसने बखौत पहना होगा, उसने किस्से पर पकड़ी होगी, उसने सीना पर पहना होगा, जंगी लिबास पहना होगा, वो तो बड़ा लंबा खादा और सूरमा होगा, वो ललकार कर कहेगा रोमियो आ गया हूं मैं। ऐसा नहीं है। अगर यीशु ने अपनी बात से कोई यूं ही कायम करना होता तो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा दीन हमारा सिर्फ मसीहत ही होती और कोई चीज ना होती। अगर तलवार के साथ में काम करना होता फिर तो मैं कहीं सिर नहीं कल करता महाराणी दलाद ने। ये तालीम नहीं है बाइबल की। हालेलुया। लिखा कह रहा कि वो खुदा की सूरत पर था और उसने अपने आप को कब्जा में रखने वाली चीज समझा, कंट्रोल रहा। उन्हें क्या आग पा दे एलिया का काम कर दे, अग पा दे सदूक जो मुरा का काम हो जाए अग पा दे ना दे। और मैं क्या ये बस करो की हो गए हौली हो, मैं साड़न मारन तबाह कर नहीं आया बचाण आया। हालेलुया। इब्ने आदम बथेरों के लिए अपनी जान देने के लिए आया। हालेलुया। दुख उठाने के लिए आया है, दुख लेने के लिए आया है ताकि निजात दे। हालेलुया। तो बात करने का मतलब ये है, मकसद ये है कि खुशखबरी कैसे बनती है, यीशु मसीह की मसलूबियत की वजह से। हालेलुया। यीशु जब मसलूब हुआ, हालेलुया, यीशु मसीह ने पहले नहीं कहा जाओ जाके अंजील की मुनादी करो। हालेलुया। अंजील की मुनादी उस वक्त शुरू हुई जब अंजील बन गई, मतलब पहले अंजील का मुंह बनाया गया, तरीका बनाया गया, वे बनाया गया, पहले अंजील बनाई गई, खुशखबरी को बनाया गया, उसे तशकील दिया गया, उसे पावर में दिया गया, ताकि ताकि खुशखबरी का पैगाम लोगों तक पहुंचे। हालेलुया। यीशु मसीह मसलूब हुआ, दफन हुआ और फिर मुर्दों में से जी उठा। पौलुस क्या कहता है, पहला करिन्थियों 15वां बाब उसकी दूसरी आयत से जरा पढ़िएगा, क्या कहता है पौलुस, सुनिएगा। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो। खुशखबरी याद रखने वाली बात है, ठीक है, मौसम पे मौसम नहीं, हाय हाय तेरे दुखने पर मौसम पर नहीं, हर वक्त शरीफ का मौसम बना लेना चाहिए। हालेलुया। सुनिए पढ़िएगा आगे जी, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा, आगे बेफायदा हुआ। मैंने सबसे पहले तुमको वही बात चुनाचा, मैंने तुम्हें सबसे पहले वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, जो मुझे पहुंची। पर लूस जिस बात पर ईमान लाया था वो ये थी कि यीशु मसीह ने कहा तू मुझे सताता है, मतलब कि यीशु जी उठा, ये तो सच्ची गल है। और जेड़ा यीशु मर गया जी जिनी मुनादी पत्रस कर रहे हैं स्टीफनस कर रहे हैं जिन्हों मैं मरवाया जिन्हों मानत मेरा हक सी,
जो मुझे पहुंची फिर मैंने भी तुम्हें पहुंचाई। क्या पहुंचाई? मसीह किताबें मुकद्दस के मुताबिक। हालेलुया हालेलुया। सबूर की किताब बताती है, दानियल कहता है, हिस्केल कहता है, यर्मिया कहता है, यशाया कहता है, पैदाश किताब मूसा कहता है, पूरी बाइबल नबी कहते हैं कि खुदा का मसीह मसलूब होगा और वो मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। ये किताबें मुकद्दस है। हालेलुया। मसीह किताबें मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। यह खुशखबरी है। ये पलूस को मिली, पलूस ने उनको दी। मैं ये बता रहा हूं कि हम मसीह इसलिए हैं, या मसीह क्यों है, इसलिए क्योंकि हम मसीह मसलूब पर ईमान लाए हैं, जो किताबें मुकद्दस के मुताबिक हुआ है। किताबें मुकद्दस के मुताबिक हुआ, दफन हुआ, और किताबें मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और जिसकी गवाही, जिसका सबूत कौन कौन है, क्या क्या लिखा गया, पढ़िएगा जी। और कैफा को और उसके बाद उन बारह को दिखा। कैफा को और उसके बाद बारह को। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद है। जिनमें से अब तक अक्सर मौजूद है और बाद सो गए हैं। बाद सो गए, बाद सो गए। आगे फिर याकूब को दिखाई दिया। फिर याकूब को दिखाई दिया। फिर रसूलों को। फिर रसूलों को। सबसे पीछे मुझको जो गोया अबू। हाय, जो समझ आई कि कहते मैं पूरे दिनों की पैदाइश हूं। पूरे दिनों की नहीं, अगर मेरी पूरी पैदाइश होती तो मैं रसूलों के साथ होता। फिर मैं पहले आ चुका एंड दिन होगा। तब पे अबू कहते वो हो मैं अधूरा, मुझ पर अफसोस है कि मैं बाद पता लगा मैं तो धोने के बीच सा, मसीहा नु मारने के चक्कर सा, यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों को मारने के चक्करों में था। हालेलुया। और जब भेद खुल गया तो कहता मैं अधूरे दिनों की क्या हूं, पैदाइश। समझ हालेलुया। क्योंकि मैं रसूलों में से सबसे छोटा हूँ। रसूलों में से सबसे छोटा हूँ, बल्कि मैं रसूल कहलाने के होने मैं ही हाँ। दूजे सारे मर गए, दूजे जो किते जो करे उसका कोई फायदा नहीं, बस मैं ही हाँ। एक मैं ही पैदा होया जेड़े अजकल दे। याद रखिएगा, पालूस गैर कौमों का वसीला, गैर कौमों का रसूल, गैर कौमों का नबी से तस्लीम किया जाता है, गैर कौमों का मुबशिर से तस्लीम किया जाता है। एक बड़ा शख्स है, बड़े बड़े से काम किए, कलीसियाओं का जन्म देने वाला, कहता है मैं रसूल कहलाने के लायक ही नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। लेकिन जो कुछ हूँ खुदा के फजल से, जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ। जो मुझ पर उसका फजल हुआ वो बेफायदा नहीं। फजल के क्या मायने हैं? वो चीज जो आपने ना मांगी हो, ना कोई कीमत दी हो, और आपको मिल जाए, ये फजल है। हालेलुया हालेलुया। ये खुशखबरी है। ये क्या है? खुशखबरी है। ये खुशखबरी है। तो जब है बेटा इसको छोड़ दो, जब है तो फिर उसके बारे में कहा कर कब इसकी मुनादी करो। यदि है ही नहीं तो मुनादी कभी करिए। एक शह है ही नहीं तो उसकी मुनादी कहा नहीं करें। पर एक चीज है, एक चीज मुकद्दम है, एक खास है, एक अहम है, एक जिंदगी है, जिंदगी का मरकज है। इंजील कौमों के लिए, उमतों के लिए, कबीलों के लिए निजात का इश्तहार है, मरकज है। याद रखिएगा, दुनिया एक ही जिंदगी से निजात पा सकती है, वो इंजील है। अगर इंजील नहीं तो कौमों की निजात भी नहीं। इंजील सिर्फ यीशु है। इंजील क्या है? यीशु है। सिर्फ यीशु है। यीशु के बगैर निजात नहीं है। और कोई सुरिया नहीं है, क्योंकि किसी ने ये नहीं कहा कि देख मैं मर गया था अब जिंदा हूं और अब दोबारा जिंदा रहूंगा। किसी ने ये नहीं कहा जाता हूं और जगह तैयार करूंगा, तुम्हें अपने साथ आकर ले जाऊंगा। किसी ने ये नहीं कहा जो कोई
दावे यीशु के सिवा कोई नहीं कर सकता। किसी तो गुण है ही नहीं, इन नहीं चौके ही नहीं, केंद्र दावा कर। आमीन, हालेलुया। झूठा झूठ चिटा लिया, झूठिया गल्ला, झूठे दावे, पर ये सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया। और कितनी बड़ी सच्चाई है जिसके नाम से तारीख चलती है। हालेलुया, है यीशु से पहले और यीशु के बाद। यीशु का नाम हर जगह पर लिया जाता है। जब कलम चलती है तो उसके नाम के बगैर नहीं चलती। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बड़ा सिस्टम है जिसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। हालेलुया, लोग रिजेक्ट करते करते आखिर तक कम पहुंच गया होगा, कह भी बस जिन्होंने बात से मिलनी सी मिल गई है और किसी ने जिन्हें बड़ी हो गए इसराइल तो डिस्कस करते ने, मसीहा तो डिस्कस करते ने, तो रोंदे ते पिटदे पर बदल नहीं सकते। जैसे चीता अपना वो कलर नहीं बदल सकता, दौड़ बदल नहीं सकता, अपने दागों को चेंज नहीं कर सकता, इस तरह मसीहत का कोई मुतबादल कुछ नहीं है। हालेलुया, यहूदियत और मसीहत को कोई बदल नहीं सकता। आमीन, ये खुशखबरी है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है दूसरा वाला जो हमने पढ़ा मरकस की इंजील में से 16:15 आए जी, क्या लिखा है? और उसने उनसे कहा, और उसने क्या लिखा है? और उसने उनसे कहा, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर, किनको कहा? रसूलों को। क्या कहा? पीछे भी पढ़ के आया रसूलों ने देखा। आमीन, हवाले और बहुत ज्यादा है इस मामले में। मत्ती की इंजील है, यूहन्ना की इंजील है, लूका की अंजील है, मरकस की अंजील है, बहुत सारे हवाले जाते हैं, बहुत सारे हवाले जाते दे सकता हूँ, पर मैं कुछ खास खास आपके सामने रख रहा हूँ। सब अले हालेलुया, ऐसे अजीब जदीद ऐसे अतीत सब कुछ भरा हुआ है। हालेलुया, यीशु के लिए। उसने उनसे क्या कहा कि तुम क्या तमाम दुनिया में जाकर, तुम तमाम दुनिया में जाकर, सुनो क्या लिखा है, तुम तमाम दुनिया में जाकर, देखो मरिया वसीयत करके गया, पूरी बाइबल में पढ़ो वसीयत मौजूद है, एंड पे वसीयत मौजूद है। हालेलुया, मैं एक दिन सोच रहा हूं, मैं क्या मैं भी वसीयतनामा लिख रहा हूं कि मेरे बाद कौन से सब कुछ आएगा, आगे से रूट को कौन लेकर जाएगा, तभी मैं दुआ कर रहा हूं। हालेलुया, याद रखिएगा सदाकत को लेकर चलना बड़ा जरूरी है। जाओ सारी खलक के सामने, जाओ सारी दुनिया में, सारी खलक के सामने जाकर क्या करें, दोबारा पढ़िएगा, सुनिएगा। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर, तुम तमाम दुनिया में जाकर क्या करो, सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। सुन ले, जड़ा ईमान नहीं लेंदा यीशु सीधे ते बपतिस्मा नहीं लेंदा वो की खड़ा जाएगा, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात दिलाए के ले, जो ईमान लाए ऐ तो मुंह तो बोलने काका मुंह तो नहीं बोलता, जमदा काका नहीं आंदा। हालेलुया, प्रेज गॉड,
आए, अपनी सुबान से ईमान लाए और बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम चलाया जाएगा। और मुजरिम बरी नहीं होता, मुजरिम बरी जिन्हें तोबा नहीं की, पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, मुजरम है। और जिन्हें मर्जी चंगे काम करे वो है मुजरम ही। जेल च कई मुजरम भी बड़े चंगे काम करते होंगे, जेल च मुजरम अच्छे काम करते हैं, शराबी बड़े अच्छे काम करते हैं, जुआरिए बड़े अच्छे काम करते हैं, सूदखोर बड़े अच्छे काम करते हैं। कई ठीक है, बड़े बड़े पापी होंगे, अगे पिछे बड़े बड़े पाप करते होंगे, तो अपने महल के लोगों के पादरी के सामने, गिरजे के लोगों के सामने जनाब बड़े चंगे काम करके। और जनाब चौधरी साहब ने कारपेट पवाते, जरा चौधरी रात मुंह भरने पा शराब पी के उन्हें कारपेट पवाता है, चौधरी साहब ने रंग पवाता लेंटर पवाता है, अपनी कबर पक्की कर रहा है। लेकिन गुनहगार का गुनहगार की दुआ भी गुनाह की नहीं जाएगी, तो हत्या कहता है। हाल भैया उसका हत्या कहता होगा, वो सही होगा। याद रखिएगा, खुदा के साथ वफादार होने की जरूरत है। समझ रहे? हाल भैया इंची खुशखबरी, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरिम चाया जाएगा। और आगे का लिखा है, ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होगा? मौजज़े। अच्छा, अहम मौजज़ा नहीं है जी बहन, आपको आपकी क्या गवाही है? अहम मेरे सिर पीड़ होंगी, ये मौजज़ा नहीं है, ये कोई मौजज़ा नहीं। ये मौजज़ा नहीं है। मौजज़ा किसे कहते हैं? टुंडा सी बाहर आ गई है, टेढ़ा सी सीधा हो गया, लंगड़ा सही हो गया, गुंडा सी बोलता है, अन्ना सी मिलता है, बोला सी सुनता है, मुर्दा सी खलो गया, ये मौजज़ा है। शिफा और मौजज़े में फर्क होनी चाहिए। बीमारी से शिफा मिल जाना, फिर क्या करेंगे? बुद्रू होम को निकालेंगे, क्या करेंगे? जड़े जड़े ईमानदार ने बड़े तेरे नहीं लिखे पादरी रसूलों ने कह के तुसी की करोगे, जाके जिल्दी बनादी करनी है। तो जड़ा ईमान ले आएगा और बपतिस्मा लेगा निजात पाएगा, तो उस बाद हम की करेगा, वो की करेगा, वो बुद्रोह निकालेगा, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। अगर कोई हलाक करने वाली चीज उन्हें कोई सर ना पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो अच्छे हो जाएंगे। उन्हें जेल के पादरी कम करेगा, ईमानदार एवरीथिंग सारे हर फर्दो वाहिद, कोई भी दुआ कर सकता है। आप अपने अंदर इस बात को पैदा करें, अपने आप को इस बात पर कायम करें कि मैं ईमानदार हूं, मैंने तौबा की है, पानी का बपतिस्मा लिया है, मैंने निजात पाई है, मैं जुबाने बोलता हूं या आप जुबाने नाम ही बोलते हो, पर आपने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है और निजात पाई है और खुदा के साथ वफादार है, आपकी जिंदगी में पाकीज़गी है, आप जाकर दुआ करें, आपको कुछ नहीं होगा, आप बुद्रुए निकाल सकते हैं। हालेलुया, बुद्रुआ कड़िया करो। मैंने एक पादरी थे आया, मैंने कहा कि आपके चश्मे को काम नहीं हुआ, मैं कड़े काम लाभ दे सकूं, तेरी तरह से एक बुद्रुआ आदर होंगी, तो मैं क्या, मैं तो झलकने में जान लिया कि तो बुद्रुआ आदर होंगी। पहले आई कलाम में इंसान ने बदमों की उठ जाती है। हालेलुया, हालेलुया, मतलब इस यीशु वासी ने बैठे हैं कि तेरे बदमों आ जाऊंगे फिर, तो तू वो तो आए, तो तू आके आके तू जाकर लोगों के नजर में पाजी की मुझे जो बदमों करके हैं, ताकि वो कड़ो हो, तो
करन दे है उसने नु बागे करन दी है सिर्फ आदत है जो बागे करन के कलाम सुनांदा है याद रखिएगा मैं आपको अपने साथी मानता हूं मैं ये कहता हूं कि आप वो हैं जो मेरे साथ खुदा का काम करने वाले हालेलुया हालेलुया मैं हर आप में से आप लोग ईमानदार हैं जो खुदा का काम कर रहे हैं मेरे साथ में ना कि तुसी हैं थर्ड क्लास क्लीसिया ऐसे कहने क्या है मुर्दा मैंने क्या मैं क्या इतने बारे तक लोग कहने कहना मुर्दा मैं क्या मुर्दा नहीं हूं अगर ये मुर्दा होंगे तो पूरे पाकिस्तान खड़ा काम ना होंगे इन्होंने तो आधे उसी दे काम हो गया और ये गाला ना बड़ी चुपी है तो पहली चुपी ना दे मैं ये सुनना पसंद नहीं करता कि कोई क्लीशे का ये मुर्दा है क्लीशे कैसे मुर्दा हो सकता है क्लीशे मुर्दा है यीशु मर गया है क्लीशिया उसी का बदन है और क्लीशिया कसमी नहीं है कसमी तो तब यह चर्च तब कसमी हो अगर यहां पर बुत परस्ती हो रही हो या यहां पर सनामकारी हो रही हो इधर तीन अखा तेज काम कर दिए इन्हें कम कम कान तेज काम कर देने फोर गाल फाट लेती है और अन्य अन्य तो याद रखिएगा अपने आप को स्टिक करें मजबूत करें खुदा के साथ ईमान लाने वालों के दरमियान पहुंचने होंगे हालेलुया ऐसे नहीं दिखा पादरी मोर्चे करने के दिखा ईमान लाने वाले के दरमियान पहुंचने होंगे हालेलुया अपने ईमान का इलाज करें सही ते सिर फाड़ के खड़े ना अगर भाई साहब दुआ करो मेरे से दर्द हो नहीं मैं नहीं कहना ना दुआ करो करवाओ पर हर रोज ड्रामा नहीं होना चाहिए कुछ काम आप ही भी करो मैंने दसो पादरी साहब यह मसला है मैं दुआ की मैं ठीक हो गया एक गल मैं ज्यादा अच्छी लगी हालेलुया ताकि मैं पता हो बंदा दुआ करने वाला किसी मैं किसी पास जा रहे हो तो कहो यार ड्रामे ना आया दुआ करके ही हालेलुया कितनी अच्छी बात है कि पादरी साहब कलीसिया के हर बंदे में यार ऐसे मेरे ना आके दुआ मिलकर कर मैं तो बेचे भरा भरा करो चंगे शिकिदर ला गए कहते हैं तो साढ़े भी शिकिर इन्हें ने वह दूर दूर नचते हैं आओ जरा नेड़े आओ खुदा का काम करो हालेलुया ईमान लाने वाले के दरमियान क्या होंगे मौजूदे होंगे जाओ सारी दुनिया में सारी खलक के सामने क्या करो इंजील की मुनादी करो जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होंगे मौजूदे होंगे हालेलुया आगे बढ़िएगा जी और ईमान लाने वालों के दरमियान हाँ ये मौजूदे होंगे हाँ वो मेरे नाम से बदरोहों को निकालेंगे हाँ नई नई जुबाने बोलेंगे हाँ जी सांपों को उठा लेंगे और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पीएंगे तो उन्हें कुछ जर ना पहुंचेगा आगे वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे आमीन हालेलुया ये इंजील की मुनादी क्या है उन्हें इंजील के सिर्फ पहुंचेगी लोग हैं इंजील के नहीं पहुंचेगी लोग तक इंजील के नहीं पहुंचेगी हैं सुन वाले तो मैसेज पहुंचेगी जागने वाले तरफ आओ जागने हैं आओ जरा पढ़िए एक वाला अमाल की किताब तीसरा बाब जी और जी बीस में है तो पढ़ो और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते कल हुआ है यानी यीशु को भेजे हाँ जरूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे हाँ जब तक कि वो सब चीजें बहाल ना की जाएं हाँ जिनका जिक्र खुदा ने अपने पाक नबियों की जुबानी किया है हाँ जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं हाँ चुनाचा मूसा ने कहा कि खुदा खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मूसा एक नबी पैदा करेगा हाँ जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना हाँ और यूं होगा कि जो शख्स उस नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा बल्कि सैमुएल से लेकर छिपलों
पिछलों तक जितने नबियों ने कलाम किया हाँ? उन सब ने इन दिनों की खबर कर दी है हाँ? तो नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा जब अब्राहम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे। खुदा ने अपने खादिम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदलों से हटाकर बरकत दे। आमीन। समझ आ रही है? जाओ सारी खाली के सामने गीत की मुनादी करो। अमान पहले बाब में भी यही लिखा है कि जाके मुनादी करो, जरूर कुछ पाओगे। उन्होंने पाया, उन्होंने मुनादी की, 3,000 लोग ईमान लाए। आगे फिर यहां पे लिखा है ताकि वो मसीह को भेजे। हालेलुया, मसीह पर दोबारा फिर वो आएगा। और जो हम कर रहे हैं ये कलाम है, ये क्या है? आगे पढ़िएगा चौथे बाब की पहली आयत से। जी हाँ, चौथे बाब की पहली आयत से। लोगों से ये कह रहे थे हाँ? तो काहिन और हैकल का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए हाँ? वो सख्त रंजीदा हुए क्योंकि ये लोगों को तालीम देते हैं और यीशु की नजीर देकर मुर्दों के जी उठने की मुनादी करते थे हाँ? और उन्होंने उनको पकड़ कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि शाम हो गई थी। मगर कलाम के सुनने वालों में से बथेरे ईमान लाए। हालेलुया, याद रखिएगा जब आप मुनादी करेंगे तो लोग आपके दुश्मनी भी आपके साथ करेंगे, पर जो आप सुनाएंगे लोग ईमान लाएंगे और तब्दीली आएगी। हालेलुया, मुनादी करना क्या है? मुंह ना बोलना जरूरी है, मुनादी करना जरूरी है। सब बोले हालेलुया। तो आइए एक और हम हवाला पढ़ेंगे खुदा के कलाम से, चौथा बाब है निकालिएगा उसकी 24वीं आयत, अमाल की किताब। जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर बुलंद आवाज से खुदा से इल्तिजा की हाँ? कि ऐ मालिक, तू वो है जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया हाँ? तूने रूह कुदस के वसीला से हमारे बाप अपने खादिम दाऊद की जुबानी फरमाया कि कौमों ने क्यों धूम मचाई और उन तो ने क्यों बादल तैयार किए हाँ? खुदावंद और उसके मसीह की मुखालफत को हाँ? जमीन के बादशाह उठ खड़े हुए और सरदार जमा हो गए क्योंकि वाकई तेरे पाक खादिम यीशु के बरखिलाफ जिसे तूने मसा किया हेरोदेस और पेंतुस पिलातुस गैर कौमों और इसराइलियों के साथ इसी शहर में जमा हुए ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरे मुसल्लह से ठहर गया हाँ वही अमल में लाए। हाँ जी, ये क्या है? मैंने क्या कहा था कि ये कोई नई बात नहीं है, ये खुदा ने पहले से मुकर्रर किया हुआ है। इंजील, मुनादी, यीशु का मसलूब होना, मुर्दों में से जी उठना। आगे अब ए खुदावन उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे हाँ? कि वो तेरा कलाम कमाल दलेरी के साथ सुनाए हाँ? और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा हाँ? और तेरे पाक आदम यीशु के नाम से मौजज़े और अजीब काम ज़हूर में आए जी? जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूह कुदस से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से सुना खुदा का कलाम दलेरी से सुनाने लगे। कलीसिया मसीह का बदन है और बदन का काम है अपने सर के आप पैगाम देना। हालेलुया, दिमाग जो सोचता जितना इरादा करता बंदा उधर जाता है ना, तो सारा सिर कौन है? यीशु है ना। तो अभी पहले की पढ़ा है कि जो कवे वही मननी है, तो यीशु सानू जो कह रहे हैं यीशु भी मननी है। हालेलुया जी, आगे पढ़िएगा 32वीं आयत से। जी और ईमानदारों की जमात हाँ जी एक दिल और एक जान थी। ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थी। यानी कि हाँ जी और रसूल बड़ी कुदरत से खुदा यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे हाँ? और उन सब पर बड़ा फजल था हाँ? क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था हाँ? इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की
कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते थे। हाँ जी। फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुताबिक बांट दिया जाता था। हाँ जी। और यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लकब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा। हाँ जी। और जिसकी पैदाइश कुप्रुस की थी उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पांव में रख दी। आमीन। सब बोले हालेलुया। यीशु मसीह ने मसलूब होकर जान देकर हमें इंजील दी है, इनकी खुशखबरी दी है, निजात दी है। आमीन। आगे निजात का पैगाम फैलाने के लिए उसने खादम दिए। आमीन। और आगे जो कलीसिया है, जो ईमानदार है, वो याकदिल है, और जो याकदिल है वो अपना माल, अपनी जान, अपना सब कुछ खुदा के लिए देने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। इंजील की बुनियादी सिर्फ बातों से नहीं होती, उसके लिए दुआ भी जरूरी है, रुपया पैसा भी जरूरी है। आमीन। नंबर वन, इंजील पर ईमान लाना, अपने गुनाह से तौबा करना, बपतिस्मा लेना, रूह कुदस पाना, मुआजिज़ात, निशानात, लोगों को जाकर कलाम सुनाना और अपना पैसा, अपनी दुआ, अपना वक्त खुदा के साथ स्पेंड करना ताकि रूह की निजात का क्या हो, काम हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इस वक्त जो मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं वो कलीसिया के पैसों से, दायियों से, हदियों से, आपके नजरानों से, आपकी सपोर्ट से पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। ये भाई गवाह हैं कि जब ये मेरे साथ जाते हैं मुझे ये बता सकते हैं कि जब मैं कहीं पर जाता हूँ तो वहां पर किसी डिमांड से हम जाते हैं या फिर हम अपने जेब से सारा पैसा लगा कर वापस आते हैं अपनी जेब से। ये जितने खादम मेरे साथ जाते हैं ये हिस्सा देते हैं, मतलब अगर हम पांच लोग जा रहे हैं तो जितना खर्चा है वो पांच लोगों पर आएगा, मुझ पर आएगा, पांच लोगों पर आएगा। फिर कुछ हदिया जो आपसे यहां से इकट्ठा करते हैं उसको हम इन्वॉल्व करते हैं और सारा काम करके हम फिर वापस आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें कोई दे या ना दे हम जाकर काम करके आते हैं। हालेलुया। जब हम एक पास्टर को महसूस करते हैं ना, किसी एक पास्टर को डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो कम से कम हमारा 20 से 30 40 हजार रुपए तक खर्चा आ जाता है डॉक्यूमेंट्स देने में, जाने में, मुकर करने में, इख्तियारात जो कुछ भी हम देख रहे आते हैं। तो इस तरह से खुदा का काम बढ़ रहा है। हालेलुया। इस 10 तारीख को भी हमने जाना है, 10 तारीख को एक पास्टर को महसूस करना है, डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तीन पासों को वहां पर डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो वहां कैसा जात कितने आ रहे हैं, तकरीबन 40,000 रुपया। तो ये कैसे हो रहा है, ये दाई की और हदियों से हो रहा है। हम बेवा और यतीम के साथ भी खड़े हो रहे हैं, यहां पर बहुत सारे लोग गवाह हैं कि हम बेवा और यतीम के साथ भी खड़े हो रहे हैं, मतलब दाई की और हदिये जितने भी इकट्ठे हो रहे हैं वो हिस्सों में डिवाइड होकर इस्तेमाल हो रहे हैं, ना के पादरी अपना ढेर पा रहा है। यहां पे ये नहीं हो रहा, खुदा का काम हो रहा है। तो खुदा आपको बरकत दे, और खुदा का वास्ता है, मिन्नत है आपसे कि अपनी दाई की और अपने हदिये उनको खुदा के घर में भेजें, उनको पहुंचाएं ताकि खुदा का काम हो। अगर आप नहीं देंगे तो खुदा का काम नहीं रुकेगा। पर याद रखिएगा वो शख्स, इसका मतलब है हमारे साथ याकदिल नहीं है, वो खुदा के साथ मुत्तफिक नहीं है, खुदा के काम के साथ मुत्तफिक नहीं है जो हो रहा है। आप जो कमा रहे उसमें से 10वां हिस्सा खुदा का दे, अगर आप नहीं देंगे तो याद रखिएगा वो एक दिन इकट्ठा आपको कहीं ना कहीं चुकाना पड़ेगा, ये ठीक नहीं होगा। अपने को उजना ना बनाओ, अपने को तरीके ना बनाओ, जो बाइबल में लिखा है वो करें। आमीन। ताकि खुदा का काम हो, जाओ और सारी खल के सामने दिल की मुनादी करो। खुशखबरी क्या है, यीशु की किताब मुकदस के मुताबिक हुआ और मुर्दों में से, किताब मुकदस के मुताबिक जीव है, आसमान पर दोबारा दुनिया में आने को है और दुनिया की अदालत करने को है। हालेलुया। तो आइए हमने अपने आप को तैयार करना, क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है। ठीक है, रात को भी आपने सुना, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि बनी इसराइल की बहाली
ऑफिसर है और बनी इसराइल के बारे में जो लिखा है वो पूरा हो रहा है और अनकरीब वो सब कुछ हो जाएगा जो लिखा हुआ है। आप उसके लिए तैयार हो जाए और अपने आप को खुदा के काम और कलाम के लिए आगे बढ़ाए और पूरी ईमानदारी के साथ लिखा पूरी दाय की जखीरा खाना मिलाओ, अपने कार्य से बहो, अपनी इनकम दस साफ करो कितनी है और तो जो पूरा दसवां कटो, बेईमानी ना करो, चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, पूरा हिस्सा खुदा के सूर मिला है। अगर इन बातें यहां पर खड़े होकर करता हूं, मैं खुद ऐसा करता हूं, संडे का हदिया गिना जाता है, तमाम दायकियां गिनी जाती हैं, तमाम विलन का पैसा गिना जाता है, जो कुछ मेरे पास आता गिना जाता है, मैं खुद उसमें से निकाल कर देता हूं। मेरी दाए की ऋषि साहब को जाती है, मेरे मेरी मेरी इनकम जो इनकम है उसमें से बेवा और यतीम को भी मिलता है, मेरी इनकम में से इंजील की बुनियादी का काम भी होता है और इसलिए मैं यहां पर सीधी सीधी बातें भी करता हूं। अगर चोर हुआ तो फिर कलाम सुना दिया डरा कि मैं आप भी तो चोरी है ना, चोर चोर को सिखा नहीं सकता, अंधा अंधे को राह दिखा नहीं सकता। तो आइए हम खुदा के काम और कलाम में आगे बढ़े, खुदा आपको बरकत दे, आइए सब खड़े हों।